सके। राजेश कुमार, आई थिंक आप सभी लोग जानते हो, इज वन ऑफ द क्या बोलते हैं पिलर्स और यूज्ड टू बी इन यू नो टीचिंग एज वेल एज इन द मेन क्लिनिकल मैनेजमेंट इन मेनी ऑफ द हॉस्पिटल्स इन मुंबई. Most importantly, he is in Hiranandani Hospital. He is also in many of the hospitals in the suburb, BSCS Hospital, Millat, and so on. He has managed thousands of patients. And Abhi, during the COVID times, he has quite a big number of COVID patients also, which he managed. Yahan tak ke ek bhi din unhone COVID se dar ke ghar mein nahi baithe, and he continued to work. He has tremendous knowledge on the basics of dialysis, which many nephrologists lack, but Rajesh is very good. And that is why we keep calling him from time to time to teach you people. So over to Rajesh. Please take over from here. Thank you, sir. On the dialyzer flux efficiency performance. Yeah. So this topic is important. And this is why it is necessary that as a patient, का डायलिसिस आउटकम इम्प्रूव हो रहा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, मतलब उनकी जिंदगी बढ़ रही है डायलिसिस पे, वैसे वैसे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन भी डायलिसिस का आने लगा है और हम लोग देखने लगे. तो जो नई शोध है, जो नई रिसर्च है, वो ये देख रही है कि कैसे हम इसकी क्वालिटी को, डायलिसिस के क्वालिटी को, इफिशियंसी को, परफॉर्मेंस को कैसे हम और अच्छा कर सके, कैसे हम इतना इम्प्रूव कर सके कि ये किडनी की जैसा बिहेव करने लगे, जो कि अभी काफ़ी दूर है, लेकिन रिसर्च जो है उस ओर काफ़ी आगे बढ़ रही है कि हम ऐसे मेम्ब्रेन का वो करें जो कि जो नेचुरल किडनी निकाल सकती है अपने फिल्ट्रेशन के द्वारा, वही कोशिश अभी नए नए डायलाइजर में हो रही है और रिसर्च जो है ऑन गोइंग है. इसके लिए हर एक टेक्नोलॉजिस्ट को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में ही जानना चाहिए. डायलाइजर का जो यूज है, हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो कन्वेंशनल डायलिसिस जो हम डे टू डे लाइफ में अभी करते हैं, लेकिन और भी जो काफ़ी यूज होने लगी है वो है वेरी हाई इफिशियंसी डायलिसिस में, ऑनलाइन हीमोडाय फिल्ट्रेशन में, और एक जो नया टर्म आया है जो कि एक्सपेंडेड डायलिसिस बोलते हैं उसमें कर सकते हैं, और जैसा कि सुधीर ने बताया कि प्लाज्मा फरेसिस में कर सकते हैं. अभी आप इंडिया में देखोगे नंबर ऑफ डायलाइजर कितना यूज होता है, ऑलमोस्ट 2.25 लाख डायलाइजर एक महीने में यूज होता है, और उसमें से 80% डायलाइजर जो है अभी भी हम लोग लो इफिशेंसी लो फ्लक्स करते हैं, उसमें से 10% जो है वो अंदाजन 20-25 हज़ार के आसपास जो मेम्ब्रेन है वो हाई एफिशिएंसी मिडल फ्लक्स है. मेजोरिटी ऑफ डायलाइजर जो है हम लोग रीयूज करते हैं 5-10 बार डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, और उसमें से 10,000 हाई फ्लक्स डायलाइजर जो है वो पर मंथ होता है. 45,000 डायलिसिस जो होती है वो 45-50 हज़ार डायलिसिस सिंगल यूज की होती है. ये इंडस्ट्री सोर्स से है, इसका कोई स्टडी नहीं है, ये जो मोटा मोटी हम लोगों ने आकलन किया उसके हिसाब से बता रहे हैं कि 2.25 लाख से 2.5 लाख डायलाइजर हम लोग महीने में यूज करते हैं. जब कभी हम डायलाइजर की बात करते हैं, जब आप देखोगे जब डायलाइजर आप हाथ में उठाते हो तो एक फाइबर का एक जैकेट होता है, हाउसिंग होती है, उसके अंदर उजले उजले बहुत सारे फाइबर्स होते हैं. सो डायलाइजर के जो एनाटॉमी है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें जैकेट होते हैं, हाउसिंग होती है, हेडर्स होते हैं, प्रोटीन रेजिन होते हैं, ब्लड एंड डायलिसिस पोर्ट होते हैं जो मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगा पिक्चर, केमिकल उसका जो मटेरियल क्या होता है, कितने फाइबर होते हैं, उसके डायमीटर, थिकनेस, सरफेस एरिया, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. डायलाइजर बनता कैसे है? आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी इंडिया में भी डायलाइजर बनते हैं और मेड इन इंडिया जो डायलाइजर है उसमें से दो जो फैक्ट्री है, एक तो नॉर्थ इंडिया में है जो पॉलीमेड जो इंडियन कंपनी है उसकी फैक्ट्री है, और एक वेस्टर्न इंडिया में जो कि सतारा में महाराष्ट्र में एक निप्रो जो जापान की कंपनी है उसकी फैक्ट्री है. ये दोनों फैक्ट्री जो है मेड इन इंडिया डायलाइजर बनाते हैं, और हमें इसकी खुशी है कि मैं उस फैक्ट्री को विजिट किया है
और विजिट करने पे बहुत सारे चीजों की जानकारी मिली है मुझे। इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पॉलीमर लेते हैं, पॉलीमर को मिक्स करते हैं, उससे मेम्ब्रेन बनता है, मेम्ब्रेन से हम उसको कट कर वीविंग करके फाइबर बनाते हैं, फाइबर को बंडल बना के उसको एक जगह पे करते हैं, फिर कोटिंग कंपाउंड से उसको फिक्स कर देते हैं और फिर हाउसिंग जैकेट में उसको डाल देते हैं। ये एक यूजुअल प्रोसेस है डायलेजर बनाने का, और इसकी एक जो फैक्ट्री में आप जब जाओगे तो ये सब पार्ट्स समझोगे, रेक्टिफिकेशन, पॉलीमर सॉल्यूशन, बाथ, रिंसिंग बाथ, ड्राइंग चैम्बर, विंडर, कटिंग डिवाइस। कटिंग डिवाइस मतलब जो फाइबर्स बन गए हैं उसको एक पर्टिकुलर साइज में, जो अलग अलग साइज के डायलाइजर होते हैं उसके हिसाब से उसको कट किया जाता है, और कट करने के बाद उसको कोटिंग मटेरियल में बांध दिया जाता है। एक फ्रिजीनियस की जर्मनी की फैक्ट्री की फोटो है, इंडियन फैक्ट्री जो निप्रो की है उसमें फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड, ये वेबसाइट से लिया गया फोटो है। जस्ट मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कितना बड़ा प्लांट होता है और कितने बड़े प्लांट में कितना मिलियंस ऑफ डायलाइजर जो है महीने में बन के निकलता है। ये पूरे सिस्टम जो है ऑटोमेटेड होती है और ये स्टराइल होती है, इस सिस्टम में बैक्टीरिया फ्री एरिया रहता है और ये एरिया में हमारा जो डायलाइजर है वो बन के तैयार होता है। ये फैक्ट्री जर्मनी की है, फ्रिजीनियस की है, वेबसाइट से लिया गया इमेज। अभी हम आते हैं एनाटॉमी पे। ये एनाटॉमी क्या है कि डायलाइजर जो है वो फाइबर्स का बना हुआ है। ये जो फाइबर्स आप देख रहे हैं, कभी भी आप डायलाइजर खोलोगे तो देखोगे उसमें डायलाइजर में फाइबर्स जो होते हैं बंडल्स में होते हैं। हम जैसे रिफिल जो होते हैं पेन के, वो रिफिल को आप मान सकते हो कि एक फाइबर है, उसका दोनों एंड खुला हुआ है और वो दोनों एंड खुले हुए और उसके बीच में बहुत सारे पोर्स हैं। तो अंदाजन 7000 से 17000 फिल्टर बंडल्स फाइबर्स के होते हैं। वो फाइबर्स जो 7000 से 17000 जो डिफरेंट, किसी में 7000 है, किसी में 8000 है, 10000 है, ये डिपेंड करता है किस तरह का डायलाइजर हम यूज कर रहे हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा। उसकी फाइबर की एक डायमीटर होती है जो 150 से 200 माइक्रोन की होती है। उसका जो थिकनेस होता है 30-40 माइक्रोन्स का होता है। ये जो डायमीटर आप नीचे देख रहे हैं पिक्चर्स में, जो अंदर का एरिया है, और ये जो थिकनेस है वो अंदाजन 30-40 माइक्रोन की होती है और सरफेस एरिया 1-2.5 मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर से 2.5 मीटर स्क्वायर। हम हमेशा बोलते हैं कि जब डायलाइजर का बात करते हैं तो हम हमेशा चाय छन्नी की बात करते हैं। छोटे चाय छन्नी अगर लोगे तो 1 मीटर स्क्वायर है और बड़ा चाय छन्नी लोगे तो 2.5 मीटर स्क्वायर है। तो जितना बड़ा चाय छन्नी होगा उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन होते हैं। और फाइबर्स में एक और भी प्रोसेस है कि फाइबर्स जो होते हैं स्ट्रेट नहीं होते, वो अंड्यूलेटेड होते हैं, वेवी होते हैं, और उसका एक रीजन है वो मैं बताऊंगा। इस पिक्चर में आप देखोगे, जैसा मैंने पहले बताया कि ये बाहर का जैकेट है, उसके अंदर आप देखोगे ये लाल रंग का फिल्टर है, इसमें भी देखोगे लाल रंग का फिल्टर है। चार पोर्ट होते हैं, ऊपर में जो पोर्ट होते हैं ब्लड इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट और डायलेसेट के पोर्ट, इनलेट पोर्ट एंड आउटलेट पोर्ट होते हैं। जो ब्लू कलर के है वो डायलेसेट के पोर्ट है, जो रेड कलर के हैं वो ब्लड के पोर्ट है। और देखोगे ये एक पिंक कलर का मटेरियल है जो कि ब्लू और रेड को अलग कर रहा है। ये पिंक कलर के मटेरियल को पोर्टिंग मटेरियल बोलते हैं, POTING, पोर्टिंग मटेरियल्स, जो कि ब्लड कंपार्टमेंट को डायलिसिट कंपार्टमेंट से सेपरेट करता है, ताकि जब हम ब्लड लीक की बात करते हैं वो ब्लड लीक तभी होता है जब ब्लड कंपार्टमेंट ऊपर में नहीं, फाइबर जो है जब डायलिसिट कंपार्टमेंट यहाँ पे जहाँ पे एरो में दिखा रहा हूँ वहां पे अगर टूटता है तो ब्लड जो है डायलिसिट में आता है और वहां पे डिटेक्ट होता है। तो फाइबर जो है उसको ब्लड कंपार्टमेंट को डायलिसिट कंपार्टमेंट से अलग करने के जो चीज होती है उसको पोर्टिंग मटेरियल करते हैं। तो पोर्टिंग मटेरियल फाइबर्स को भी फिक्स करता है और फाइबर को फिक्स करता है और सेपरेट करता है। इसमें जब आप ये देखोगे, जब पोर्टिंग मटेरियल से हम जो फिक्स कर देते हैं उसके बाद उसको कट किया जाता है, और वो कटिंग जो है इतनी अच्छी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, ताकि कि वो कटिंग से, जैसे इस तरह का कटिंग अगर आप देखोगे तो उससे आपकी हीमोलाइसिस, ब्लड क्लॉटिंग और रेसिडुअल ब्लड जो है ऊपर में रह सकता है। तो कटिंग जो है वो स्मूथ होनी चाहिए, और इसके लिए पोर्टिंग मटेरियल के ऊपर लगने के बाद कटिंग जो होती है वो स्मूथ रहने से वो नहीं होता।
हम बहुत सारे डायलाइजर में जानते हैं कि डायलाइजर को हम खोल सकते हैं और बहुत सारे टेक्नीशियन ये पसंद करते हैं डायलाइजर को खोलना, लेकिन हमें हमको ऐसा मानना है कि डायलाइजर अगर ना कैप खुले और उसकी क्लीनिंग हम वॉशिंग हम प्रॉपर कैप के साथ कर सकें तो कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डायलाइजर के हेडर्स में एक ओ रिंग होता है और वो ओ रिंग जो है वो फिक्स करता है, लीकेज को प्रिवेंट करता है। और वो ओ रिंग कभी कभी मिसप्लेस हो जाता है खोल के रखने में, और कभी कभी टेक्नीशियन कभी कभी भूल करके बिना ओ रिंग का अगर कैप लगा देता है और डायलिसिस उसी पे स्टार्ट होती है तो ब्लड लीक होने लगता है क्योंकि पूरी तरह से हेडर्स जो है वो डायलाइजर पे फिक्स नहीं हो पाता है। ये अगर हम ओरिजिनल डायलाइजर को काटें तो हमको ओरिजिनल डायलाइजर इस तरह का दिखता है। अब ये आप फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ब्लड फ्लो अंदर आ रही है, हेडर्स में आ रही है, यहाँ पे पोटिंग मटेरियल्स है, वहां से वो फाइबर्स में घुस रही है, तो ये जो एरिया है ये एरिया जो वर्किंग एरिया है फाइबर्स के लिए, वर्किंग एरिया ये है, तो ये जो एरिया है वो सरफेस एरिया कहलाता है मेम्ब्रेन का, और उसके ऊपर का पार्ट जो है वो यहाँ पे पोटिंग मटेरियल है जो ये पीला रंग का देख रहे हैं, येलो कलर का जो मटेरियल है वो पोटिंग मटेरियल है, उसके बाद का जो एरिया है वो फिल्ट्रेशन एरिया है जो कि सरफेस एरिया कहलाता है। डिफरेंट पिक्चर्स है आपके रिविजन के लिए, आप देखोगे ये ओ रिंग है, ये पोटिंग मटेरियल है, उसके ऊपर फाइबर्स का एंड दिख रहा है। कभी आप मेम्ब्रेन जब खोलोगे और एक माइक्रो एक जूम लेंस होते हैं उससे अगर आप देखोगे तो बहुत से छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं, यही पोर्स ब्लड से कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं, अगर हम बराबर क्लीन नहीं करें तो ये पोर्ट ब्लॉक हो जाते हैं। ये जैसा मैंने बताया कि वेवी फॉर्म में होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते, ये स्ट्रेट है और ये वेवी फॉर्म है। अभी हम आते हैं डायलाइजर के स्पेसिफिकेशन पे। जब हम डायलाइजर यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से मटेरियल का बना हुआ है, उसके बाद हमको पता होना चाहिए उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट क्या है, उसका KOA क्या है, सरफेस एरिया क्या है, किस चीज़ से उसको स्टरलाइज किया गया और उसका हाउसिंग और पोटिंग मटेरियल क्या है। ये सब का इम्पोर्टेंस हम डायलिसिस के क्वालिटी के लिए करते हैं क्योंकि कुछ कुछ मटेरियल जो है वो रिएक्ट करते हैं, कुछ कुछ मटेरियल रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ कुछ मटेरियल से फिल्ट्रेशन की क्वालिटी इंप्रूव होती है, कुछ कुछ मटेरियल से KUF अच्छा होता है, कुछ कुछ मटेरियल से KOA अच्छा होता है, और उसकी हाउसिंग और पोटिंग मटेरियल भी इम्पॉर्टेंट है उसके स्ट्रेंथ के ऊपर और उसके कभी कभी रिएक्शन के लिए। सो सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल जो होते हैं या तो नेचुरल हो सकते हैं, सेल्यूलोज मॉडिफाइड सेल्यूलोज है और सिंथेटिक है। यहाँ जो नीचे एक वर्ड है एनालॉजी, एनालॉजी में इससे सिमिलर क्या सिचुएशन है, जब हम कपड़ा इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब हम शर्ट पैंट पहनते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं कॉटन और का कपड़ा है कि नायलॉन का कपड़ा है। कॉटन जो है वो नेचुरल है, नायलॉन जो है वो सिंथेटिक है, और यही चीज़ को हम लोगों ने मेम्ब्रेन को अगर देखेंगे तो मेम्ब्रेन में जब हम 25 साल पहले की बात करें, 30 साल पहले की बात करें, उस समय निप्रो या उसकी जो मेम्ब्रेन या जो बी ब्रॉन की मेम्ब्रेन थी वो सब सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हुई मेम्ब्रेन थी जिसको मॉडिफाइड सेल्यूलोज बोलते थे। उस समय हम लोग देखते थे कि थोड़े थोड़े पेशेंट को रिएक्शन आते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया अभी जो है मेजोरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो सिंथेटिक मेम्ब्रेन है। तो ऐसा क्या हो गया कि सेल्यूलोज को हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन आप जब देखोगे कि 2018 के बाद एक मेम्ब्रेन जो सेल्यूलोज का है वो फिर से आने लगा है और जिसका नाम है सेल्यूलोज ट्राईएसीटेट मेम्ब्रेन। और वो क्यों आया मार्केट में फिर से नए रूप में उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के समय में हम देखते हैं कि सिंथेटिक मेम्ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर में है। ये क्लासिफिकेशन है जो थ्योरिट के लिए जानना चाहिए क्योंकि अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो सिंथेटिक मेम्ब्रेन है और उसमें सबसे कॉमनली यूज मेम्ब्रेन जो है वो है पॉलीसल्फोन, पॉलीथर सल्फोन और पॉलीएमाइड। पॉलीसल्फोन मेम्ब्रेन के बारे में बताएंगे, पॉलीथर सल्फोन के बारे में और पॉलीएमाइड के बारे में। और जैसा कि मैंने बताया कि सेल्युलोज ट्राईएसीटेट मेम्ब्रेन अभी भी नए रूप में आ रहा है
और कुछ पुराने डायलाइजर जो अभी भी हम देखते हैं जो बहुत कम यूज होते हैं, 5 से 10% केस में यूज होते हैं, मैं तो बोलता हूँ 5% से भी कम अभी यूज हो गया है, जो कि सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन है। तो मेजोरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन अभी जो है वो सिंथेटिक मेम्ब्रेन है। क्या डिफरेंस है दोनों में? सेलुलोज की मेम्ब्रेन का जो ये है वो बहुत थिन होता है, आप नीचे के फोटो में लेफ्ट साइड में देखो बहुत पतला वॉल है, उसकी दीवार जो है इसके दीवार में बाजू वाले के दीवार से इसकी दीवार काफी पतली है, तो ये थिन मेम्ब्रेन होते हैं और इसकी जो डायमीटर होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, 150 टू 200 माइक्रोन के आसपास इसकी अंदर की डायमीटर होती है, लेकिन उससे बड़ी खासियत इसकी जो होती है ना वो होती है थिन वॉल होती है, और उसके तुलना में अगर हम पॉलीसल्फोन या पॉलीइथर सल्फोन मेम्ब्रेन देखें तो उससे 8 से 10 गुना मोटी उसकी वॉल होती है। ये वॉल मोटे होने से उसकी क्वालिटी पे अफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी एफिशिएंसी पे अफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो वॉल है वो स्पॉन्जी होता है। कभी आप किचन में देखोगे या सफाई के लिए ना स्पॉन्ज का यूज करते हैं या बेड बनाने के लिए स्पॉन्ज का यूज करते हैं, स्पॉन्ज जो होता है ना वो फोमी होता है, वो पिचकता है, फैलता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑरिफिसेस होती है। अगर आप फोम को इससे तुलना करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पॉलीसिंथेटिक मेम्ब्रेन है उसमें फोमी स्ट्रक्चर है, जिसके चलते वो उसकी इफिशेंसी जो है मोटाई ज़्यादा होने के बाद भी हम मेंटेन करते हैं, और ये थिकनेस के चलते उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलता है और एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है, एरिया मिलता है जहाँ की इंडोटॉक्सिन जो डायलिसेट में कभी कभी आ सकते हैं वो एडजॉर्ब करते हैं। एडजॉर्ब्स और एब्जॉर्प्शन में अंतर है, एडजॉर्ब मतलब चिपक जाते हैं, जिसके चलते ये एक एडिशनल फंक्शन करता है। जब मैं लास्ट स्लाइड प्रेजेंट करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अलावा एडजॉर्प्शन भी एक काम है डायलाइजर का जो डायलाइजर करता है। एक बहुत लोग ये चर्चा करते हैं कि सिमेट्रिक मेम्ब्रेन और एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन क्या है। तो हम जब मेम्ब्रेन को या फाइबर को एक क्रॉस सेक्शन करें, डिवाइड करें, तो हम देखते हैं कि फाइबर का अगर दोनों साइड ब्लड साइड और डायलिसेट साइड, दो साइड होगा हर मेम्ब्रेन का, हर फाइबर का दो साइड होगा, एक अंदर का साइड जहां ब्लड है और एक बाहर का साइड जो कि डायलिसेट है, अगर हम दोनों साइड देखेंगे ना तो दोनों एक जैसा दिखता है, मतलब उसमें कोई अंतर नहीं है, मतलब उसकी पोर साइज एक जैसी है, उसकी थिकनेस थिननेस स्ट्रक्चर वॉल हर एक चीज जो है वो एक जैसा दिखता है, मतलब कि वो सिमेट्रिकल है। लेकिन जब हम एसिमेट्रिकल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ब्लड साइड जो है उसमें एक स्किन लेयर है 1 माइक्रोन का, उसके बाद एक 40 माइक्रोन का फोमी लेयर है, जो फोमी लेयर जो फोम के जैसा होता है, वो फोमी लेयर जो है वो मेन है जहाँ की पोर्स होते हैं, यहाँ भी पोर्स हैं। तो ये ब्लड साइड से आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा और डायलिसिट साइड से देखोगे तो आपको अलग तरह से दिखेगा, जबकि सिमेट्रिकल मेम्ब्रेन जो है दोनों साइड से एक जैसा दिखता है। 15 मिनट और बाकी है। तो सिंथेटिक मेम्ब्रेन जो है, पहले हम लोग मानते थे कि सिमेट्रिक मेम्ब्रेन जो है वो सेलुलोज वाले जितने मेम्ब्रेन होते हैं सिमेट्रिक होते हैं, लेकिन कुछ कुछ सिंथेटिक मेम्ब्रेन भी आजकल सिमेट्रिक मेम्ब्रेन हो गए हैं, और इसमें जो होमोजेनिसिटी है उसके चलते जो पोर साइज है वो ऑलमोस्ट सेम साइज का होता है। एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन पॉलीइथर सल्फोन और पॉलीसल्फोन वाली मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक थिन इनर लेयर होते हैं जो कि ब्लड साइड में होते हैं, एक आउटर थिक लेयर होता है 35-40 माइक्रोन्स का और स्पॉन्जी होता है, और इसमें पोर्स जो होते हैं अलग अलग साइज के होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये पॉलीसल्फोन और पॉलीइथर सल्फोन दो लेयर वाले मेम्ब्रेन है, लेकिन एक तीन लेयर वाले मेम्ब्रेन भी है जिसको पेपा मेम्ब्रेन बोलते हैं, पॉलीइथर सल्फोन पीवीपी और पॉलीएमाइड से मिलके बनता है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी देती है। हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि आप फोम देखो, कभी भी खोल के फोम में देखोगे एक आउटर लेयर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो गादी हम लोग यूज करते हैं फोम की गादी, वो गादी ऑलमोस्ट डायलाइजर मेम्ब्रेन के जैसा है, जिसमें एक स्किन का कपड़ा लगा हुआ है और अंदर में फोम है, बाहर का जो कपड़ा लगा हुआ है वो स्किन लेयर है और अंदर का जो फोम है वो स्पॉन्जी लेयर है। ये फिर से रिवीजन के लिए है, और ये आप इस पिक्चर में पॉलीसल्फोन मेम्ब्रेन में आप देखोगे कि जैसे जैसे हम उसका इनलार्ज करके देख रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं, आजकल जूम का जमाना है, जब हम पिक्चर को इनलार्ज करके देखते हैं ना, तो आप स्टार्ट यहाँ से करो
देखो आपको ये फॉर्म दिख रहा है, उसके अंदर पोर्स हैं और पोर्स का साइज अलग अलग है, और जब हम इसको 1500 जूम करते हैं, 5000 करते हैं, तो ये पोर्स का साइज देखिए कितना अलग अलग डिफरेंट कैलिबर का होता है। ये पोर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर वाटर परमिएबिलिटी। डॉक्टर राजेश कुमार, जब इतना बढ़िया लेक्चर चल रहा होता है तो टाइम लिमिट नहीं देखते, ना मैं देखता हूँ ना बच्चे देखते हैं, तो आप अपना टाइम लीजिए, इतना बढ़िया लेक्चर उनको कहाँ सुनने को मिलेगा। अभी जब हम पॉलीसल्फोन मेम्ब्रेन की बात करते हैं ना, तो मार्केट में बहुत सारे पॉलीसल्फोन मेम्ब्रेन है, 8 से 9 कंपनी है जो पॉलीसल्फोन मेम्ब्रेन बनाते हैं, और आप देखोगे हर मेम्ब्रेन ना कुछ पेशेंट को, कभी किसी पेशेंट को फ्रिजीनियस के डायलाइजर से रिएक्शन होता है, कभी आप देखोगे डोरा के डायलाइजर से किसी को रिएक्शन होता है, कभी आप देखोगे इलिसियो से होता है, लेकिन ये सब मेम्ब्रेन तो ऑलमोस्ट सेम है। कुछ मेम्ब्रेन जो पॉलीसल्फोन से बने हुए हैं 8 से 9 कंपनियां बनाती है, उसमें डिफरेंस क्या रहते हैं? डिफरेंस यही रहते हैं, जब पॉलीमर्स हम मिक्सिंग करते हैं, जब हम पीवीपी को पॉलीइथर सल्फोन में मिलाते हैं, तो पॉलीसल्फोन मेम्ब्रेन बनता है, और ये जो कॉम्बिनेशन है पॉलीमर्स का, उसके जो कॉम्बिनेशन के कंसंट्रेशन अगर अलग अलग रहते हैं, उसके ऊपर हम बायो कंपेटिबिलिटी डिपेंड करता है और सॉल्यूट परमिएबिलिटी डिपेंड करता है, और ये जो ब्लेंडिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, और उसके स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है, ये सब के आधार पे एक ही तरह का मेम्ब्रेन पॉलीसल्फोन मेम्ब्रेन अलग अलग हो जाता है जब अलग अलग कंपनियां उसको बनाती है। यही कारण है कि कभी आप ये मत सोचना कि एक कंपनी के पॉलीसल्फोन मेम्ब्रेन से अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे पॉलीसल्फोन से भी हो, क्योंकि कोई कोई पॉलीसल्फोन मेम्ब्रेन ईटीओ स्टरलाइजेशन के साथ है, कोई कोई पॉलीसल्फोन मेम्ब्रेन वाटर स्टीम स्टरलाइजेशन के साथ है, और कोई कोई जो है वो गामा स्टरलाइजेशन के चाल है, तो स्टरलाइजेशन के चलते भी रिएक्शन आते हैं। पीवीपी के क्वांटिटी अगर ज्यादा कम के ऊपर भी रिएक्शन का रिस्क रहता है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी एक अच्छा मेम्ब्रेन बना रही है। अब आते हैं ये जो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये फ्लक्स परमिएबिलिटी इफिशियंसी KUF KOA ये सब क्या है? ये बहुत ओवरलैप है, और मैं भी अपने आप को मानता हूँ कि मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज रहता था कि ये कभी KUF को फ्लक्स बोलते हैं, कभी KOA को इफिशियंसी बोलते हैं, फिर KOA को अलग कर देते हैं, बोलते हैं फ्लक्स और सरफेस एरिया मिलके इफिशियंसी होता है। तो ये कॉम्बिनेशन को मैं कोशिश करूंगा आप लोग को क्लियर करने का कि थोड़े बहुत ओवरलैप तो है, उस ओवरलैप को हम निकालने का कोशिश करते हैं। KUF और फ्लक्स में क्या अंतर है? सो KUF जो है ना, अभी कोई भी आप डायलाइजर उठाओगे ना, तो उसके ऊपर एक KUF लिखा रहता है। आप डायलाइजर का बॉक्स में एक पेपर आते हैं, और पेपर को आप कल जरूर जाके पढ़िएगा, उसमें हर एक डायलाइजर, अगर आप फ्रिजीनियस के डायलाइजर यूज करते हैं, तो उसके हर F5 6 7 8 9 10 60 80 सब डायलाइजर के स्पेसिफिकेशन है, KUF क्या है, KOA क्या है, यूरिया क्लियरेंस क्या है, बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन क्लियरेंस क्या है। तो आज का लेक्चर का जो वैल्यू है आपको कल समझ जाएगा, अगर वो आप लीफलेट कल पढ़ते हो तो, बॉक्स में हर बॉक्स में रहता है। सो KUF जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट है, वो वाटर रिमूवल एफिशिएंसी को बताता है, और वो वैरी करता है फ्रॉम 2.5 ml पर आवर पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर मीटर स्क्वायर से लेकर 90 ml तक। KUF means water permeability. KUF means water permeability. Water permeability के लिए ultrafiltration coefficient होता है, और ये pressure gradient पे depend करता है। मतलब कि blood compartment में जो pressure है वो blood pressure है patient का, जो blood को pull और flow जो हम pump से दे रहे हैं, वो सब मिलके एक pressure बना रहा है। जो blood compartment में है वो modified हो सकता है depending upon the blood pressure of the patient. और डायलिसेट कंपार्टमेंट में जो प्रेशर हम क्रिएट करते हैं टू हैव ए पर्टिकुलर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर, और ये जो ग्रेडियंट बनता है यही जो है पानी को पुल करता है डायलिसेट कंपार्टमेंट में, जिसको कि हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिपेंड करता है, हम कितना पानी किस स्पीड से निकाल रहे हैं वो डिपेंड करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट पे, और जो हम उसके हिसाब से प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। यही कारण है कि आजकल जितनी भी मशीन है वॉल्यूमेट्रिक मशीन, उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो प्रोफाइल हम कर सकते हैं, मतलब कि हम घंटे के हिसाब से अलग अलग तरह का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट करते हैं,
by just manipulating the dialysate, by manipulating the dialysate pressure. So if you want a more ultrafiltration, you have to create more TMP. और यही कारण है कि जब डायलाइजर आप देखोगे ना तो उस पर एक मैक्सिमम टीएमपी का ये लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ रहता है 500. सो वो 500 मीन्स उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए प्रेशर. अगर उसके ऊपर प्रेशर जाएगा, टीएमपी जाएगा, तो मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है. और ये कब जाता है? जब मेम्ब्रेन ब्लॉक होता है या वीनस रेजिस्टेंस होती है, वीनस प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके चलते टीएमपी कभी कभी ज्यादा हो सकता है. सो अल्ट्राफिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट मींस वाटर परमिएबिलिटी डिपेंड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट. कन्वेक्टिव क्लियरेंस के लिए वाटर परमिएबिलिटी की जरूरत होती है. जितना ज्यादा वाटर परमिएबल रहेगा मेम्ब्रेन, उतना ज्यादा कन्वेक्टिव क्लियरेंस होगा. कन्वेक्टिव क्लियरेंस मतलब मिडिल मॉलिक्यूल क्लियरेंस, मतलब बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन क्लियरेंस. और यही बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन क्लियरेंस जो है वो फ्लक्स कहलाता है. फ्लक्स को हम डिवाइड करते हैं बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन क्लियरेंस पे. तो आप देखो ओवरलैप क्या है. KUF का मतलब वाटर परमिएबिलिटी. वाटर अगर ज्यादा निकलेगा तो कन्वेक्टिव क्लियरेंस होगा. कन्वेक्टिव क्लियरेंस ज्यादा होगा तो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन क्लियरेंस होगा. बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन क्लियरेंस ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा. नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, उसको हमने अलग किया है. ओल्ड डिफिनीशन क्या था? वो KUF के ऊपर था फ्लक्स का. लो फ्लक्स, मिडिल फ्लक्स, हाई फ्लक्स, 10 to 20 एंड मोर. ये जो डिफिनीशन था, आप देखो यूनिट को देखो. यूनिट से आपको समझ जाएगा KUF और क्लियरेंस. क्लियरेंस हमेशा ml पर मिनट में होता है और KUF जो है हमेशा मिली लीटर पर आवर पर मिलीमीटर Hg पर मीटर स्क्वायर. तो पहले का डिफिनीशन ये है, अभी का डिफिनीशन ये है. ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे. थोड़ा बहुत ओवरलैप है जिससे कन्फ्यूजन को मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. इसमें आपको लगेगा कि यार ये तो कहाँ पहुंच गया अभी. हम तो खाली लो फ्लक्स जानते थे, अभी कुछ समय से मिडिल फ्लक्स जानने लगे और थोड़े लोग हाई फ्लक्स भी जानने लगे. ये सुपर फ्लक्स हो गया. और सुधीर बग्गा राव ने भी बोला ये मीडियम कट ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं, हाई कट ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं, उसके ऊपर प्लाज्मा फिल्टर होते हैं. उसके ऊपर आप एक नंबर देख रहे हो. ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, ये इसके पोर साइज का नंबर है. 1 लो फ्लक्स में आते हैं 1 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर मिडिल फ्लक्स में आते हैं, 3 नैनोमीटर हाई फ्लक्स में आते हैं, 5 to 6 नैनोमीटर सुपर फ्लक्स में आते हैं. और इसके ऊपर के मेम्ब्रेन को ही सुपर फ्लक्स मेम्ब्रेन बोलते हैं. मतलब सुपर फ्लक्स मेम्ब्रेन जो है 5 to 10 है. लेकिन मैंने उसको अलग इसलिए किया है क्योंकि मिडिल कट ऑफ मेम्ब्रेन और हाई कट ऑफ मेम्ब्रेन जो है, ये दोनों अभी नए तरह का जो डायलिसिस हम लोग सुनते हैं, एक्सपेंडेड डायलिसिस HDX. पहले हमने सुना HDF, हीमोडायफिल्ट्रेशन. अभी हम लोग कुछ समय के बाद आने वाला 5 साल में HDX. ये जो डायलिसिस है एक्सपेंडेड डायलिसिस, ये MCO और SCO के जरिए होता है, जो कि प्रोटीन बाउंड टॉक्सिन, जो कि ये सब फिल्टर से हम नहीं निकाल सकते हैं, लो फ्लक्स, मिडिल फ्लक्स, हाई फ्लक्स से नहीं निकाल सकते हैं. ये MCO और SCO से हम प्रोटीन बाउंड टॉक्सिन जो है, जैसा कि मैंने पहले स्टार्ट में ही बताया कि पेशेंट आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए ही क्वालिटी ऑफ डायलाइजर मेम्ब्रेन जो है वो चेंज होते जा रहे हैं. प्लाज्मा फिल्टर का नैनोमीटर देखिए 20 नैनोमीटर है. इसके लिए जैसा सुधीर ने बताया कि प्लाज्मा और प्लाज्मा प्रोटीन और सेल दोनों को ये अलग कर देता है. तो 20 नैनोमीटर जो है पोर साइज है 20 से 30. 10 जो है SCO का है, 6 जो है MCO का है. तो अभी तक हम लोग 1, 2, 3 जानते थे, अभी आज से 5, 6, 10, 20 सब जानेंगे. ठीक है. और ये जो हम पिक्चर है, ये पिक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, आप देखोगे जैसे जैसे पोर साइज बढ़ रहा है. ये सबसे कॉर्नर वाली जो है प्लाज्मा फिल्टर है, उसके बाजू में जो SCO है, उसके बाद हाई फ्लक्स है, ये लो फ्लक्स है. अब हम इंडिविजुअल लेते हैं लो फ्लक्स मेम्ब्रेन और उसको अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जो अपने सामने जो फिल्टर रखा है वो किस तरह का फिल्टर है उस पे हम आते हैं. तो पोर साइज 1 नैनोमीटर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लेस देन 10, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन क्लियरेंस लेस देन 12, सॉल्यूट परमिएबिलिटी जो है वो यूरिया और क्रिएटिनिन की है, और जितने जो फिल्टर है F5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने नहीं लिखा, 10, 12,
ये सब जो है 10-12 ए इसमें नहीं आते हैं, वो मिडिल फ्लक्स में चले जाते हैं. इलिसियो 1.3 एलआर एंड 1.5 एलआर. आप अभी अगर निप्रो का नया जो डायलाइजर देखोगे उसमें एलआर सीरीज है, एम सीरीज है और एच सीरीज है. ये एलआर सीरीज जो है उसका नाम रखा इसलिए गया है कि वो लीड रिमूव होता है, मतलब हेडर रिमूव होते हैं. और जो एम और एच सीरीज लिखा रहता है उसमें हेडर रिमूव नहीं होते हैं. जब पहली बार हम लोगों ने डायलाइजर इलिसियो का लिया आज से 5 साल पहले, तो हमको एक ऑप्शन दिया गया निप्रो के तरफ से कि सर एलआर सीरीज का डायलाइजर बहुत चलता है इंडिया में, आप लोगे क्या? हम बोले नहीं भाई, मैं तो एम और एच लूंगा, एलआर सीरीज नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे टेक्नीशियन लोग ये आदत लगाएं कि उनको लीड खोलने की आदत होनी चाहिए. शुरू में बहुत रेजिस्टेंस आया क्योंकि F5, F6, F7, F8 ये सब डायलाइजर के लीड जो है रिमूव होते थे और उसको क्लीन करने में आसानी होती थी टेक्नीशियन लोग को. लेकिन मैंने ये आदत लगाने की कोशिश की है कि लीड रिमूव होने वाला डायलाइजर ना हो. गैम्ब्रो पॉलीफेनॉल डायलाइजर भी लीड रिमूव नहीं होता है. और डोरा अभी एक नई कंपनी आई है, चाइनीज कंपनी है, जिसका भी मेम्ब्रेन पॉलीथर सल्फोन है, उसके भी पोर साइज 1 नैनोमीटर के हैं. तो ये लो फ्लक्स मेम्ब्रेन है. सेकेंड जो है वो मिडिल फ्लक्स आजकल नया जो आया है, जिसमें कि आप HPS सीरीज देखोगे. इसके पहले आपने देखा होगा फ्रिजीनियस का मैंने बिना HPS का लिखा था, F7, F8, F5, F6. यहाँ HPS सीरीज है. HPS मतलब हाई परफॉर्मेंस स्टीम. ये जो स्टीम स्टरलाइजेशन के साथ आती है उसको HPS बोलते हैं. और HPS अगर नहीं लगी है तो ETO स्टरलाइजेशन है. तो ये टर्म इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानना, जब पेशेंट को रिएक्शन होता है ना उस समय आपको ये जानकारी होनी चाहिए इसका स्टरलाइजेशन कैसे हुआ है. तो HPS है जो स्टीम स्टरलाइजेशन है. इलिसियो जो है गामा रेडिएशन है, इस समय ETO का यूज नहीं है. हाई फ्लक्स पोर साइज जो है 3 nm का है, उसका KUF मोर देन 20 है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन क्लियरेंस भी मोर देन 20 है. और ये बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन और मिडिल मॉलिक्यूल को निकालने के लिए काफी यूज होता है. और हीमोडाई फिल्ट्रेशन में भी ये मेम्ब्रेन यूज होते हैं. FS60, ATS, 100 HDF ये जो मेम्ब्रेन है फ्रिजीनियस के हैं. और एच सीरीज, एच मतलब हाई फ्लक्स, एम मतलब मिडिल फ्लक्स, एल मतलब लो फ्लक्स. बहुत सारे मेम्ब्रेन डायलाइजर पे ऐसा लिखा रहता है, उसका मतलब होता है लो फ्लक्स, मिडिल फ्लक्स, हाई फ्लक्स. गैम्ब्रो का पॉली फ्लक्स जो सीरीज है उसमें 1.4H, 1.7H एंड 2.1H. ये जो 1.3, 1.5 है ये सरफेस एरिया बताता है, 1.4 सरफेस एरिया बताता है मेम्ब्रेन का. तो जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज्यादा नंबर. सुपर फ्लक्स मेम्ब्रेन मैंने बताया 5 से 10 नैनोमीटर के साइज का होता है, मोर देन 60 उसके KUF होती है. और वो एल्बुमिन, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा और सुधीर ने बताया क्या लाइट चेंज, मल्टीपल मायलोमा, ये सब में यूज होता है. गैम्ब्रो का जो नया मेम्ब्रेन आ रहे हैं थिरानोभा, वो जो है वो सुपर फ्लक्स मेम्ब्रेन है. अब आते हैं परमिएबिलिटी, कभी कभी कंफ्यूज होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है. लो परमिएबिलिटी और हाई परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन जो होते हैं बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन क्लियरेंस के आधार पे डिवाइड किए. तो अभी तक आपने जाना कि मटेरियल के आधार पे हमने डिवाइड किया मेम्ब्रेन को, फ्लक्स के आधार पे किया, लो फ्लक्स, मिडिल फ्लक्स, सुपर फ्लक्स, हाई फ्लक्स. उसके बाद हम आते हैं इफिशियंसी पे, हाई इफिशियंसी, लो इफिशियंसी. अब इसमें एक वर्ड है KOA, इसका मतलब होता है मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट. और ये सॉल्यूट क्लियरेंस है. अभी सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये चीज को जानना है. सॉल्यूट जो है वो पार्टिकल्स है, जैसे अगर शक्कर का घोल लेते हैं तो शुगर जो है वो सॉल्यूट्स है, पानी जो है सॉल्वेंट है, और जो शक्कर का घोल मिला वो सॉल्यूशन हो गया. तो सॉल्यूट क्लियरेंस के लिए KOA, सॉल्वेंट क्लियरेंस के लिए KUF. अंतर समझ गए? सॉल्वेंट मीन्स वाटर, सॉल्यूट मीन्स यूरिया, क्रिएटिनिन, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब सॉल्यूट्स है. और जिसमें घुला हुआ है वो वाटर है या ब्लड है, ब्लड भी वाटर से बना हुआ है. तो वाटर को निकालने का काम KUF से होता है. KOA जो है सॉल्यूट क्लियरेंस के लिए होता है, और वो डिपेंड करता है KOO पे, जो कि एक मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, और ये जो है वो सरफेस एरिया है. तो आप समझ गए कि सरफेस एरिया का क्या वैल्यू है क्लियरेंस में.
जितना बड़ा सरफेस एरिया उतने बड़ा सॉल्यूट क्लियरेंस, जितना ज्यादा KO उतना बड़ा क्लियरेंस. सो KO मीन्स इफिशियंसी, मतलब सॉल्यूट परमेबिलिटी. जैसा कि KUF में आपने देखा प्रेशर ग्रेडियंट है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर पर डिपेंड होता है. KOA जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब कि यूरिया अगर ब्लड कंपार्टमेंट में हाई है, डायलिसिस के पेशेंट का यूरिया हाई रहता है, तो डायलिसेट में हम यूरिया जीरो रखते हैं, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट बनती है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूसिव क्लियरेंस. तो यहाँ डिफ्यूजन था, वहां कन्वेक्शन था, अंतर समझ रहे हैं. डिफ्यूजन से हम लो मॉलिकुलर वेट टॉक्सिन निकालते हैं, कन्वेक्शन से हम मिडिल मॉलिकुलर वेट टॉक्सिन निकालते हैं. KO के आधार पे लो इफिशियंसी मेम्ब्रेन जिसका KOA जो है लेस देन 500 है, और हाई इफिशियंसी मेम्ब्रेन जिसका KOA 600 ml है. जो पर्ची कल निकालोगे उसमें ये सब लिखा हुआ है. मैं सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पर्ची कल निकाल के जरूर फोटो एक ले लो मोबाइल पे, और जब कभी भी दिन भर में एक बार उसको देखा करो. अगर देखोगे धीरे धीरे सब चीज याद आ जाएगी कि मैंने जो लेक्चर में आज लिया है. सरफेस एरिया जो होते हैं हर मेम्ब्रेन के अलग अलग होते हैं, 0.5 m² से लेके 2.5 m². इसको हम चाय छन्नी से कंपेयर करें. चाय छन्नी अगर छोटी है तो छोटा सरफेस एरिया, छोटा फिल्ट्रेशन. अगर चाय छन्नी बड़ी है तो बड़ा सरफेस एरिया. कैसे हम ध्यान देंगे, जब हम चाय के दुकान में जाते हैं तो देखना उसका मग जो होता है ना बड़ा डायमीटर का होता है, उसमें हम बड़ा चाय छन्नी लगाते हैं. और जब घर में हम यूज करते हैं 3-4 आदमी के लिए चाय बनाते हैं तो छोटा चाय छन्नी होता है. तो उस तरह से हम याद कर सकते हैं. फोटोग्राफी से थोड़ा समझते हैं कि ये हाई इफिशियंसी मेम्ब्रेन और हाई फ्लक्स मेम्ब्रेन में कैसा है. हाई इफिशियंसी मेम्ब्रेन स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट क्लियरेंस के लिए है, और हाई फ्लक्स मेम्ब्रेन जो कन्वेक्टिव क्लियरेंस करते हैं वो मिडिल मॉलिक्यूलर वेट क्लियरेंस के लिए है. दोनों में डिफरेंस देखो. हाई इफिशियंसी मेम्ब्रेन में पोर्स बहुत होते हैं, मेम्ब्रेन का जो ये होता है वो थिन होता है, और हाई सरफेस एरिया होता है. इसमें पोर साइज ज़्यादा बड़े होते हैं, इसका KOA ज़्यादा होता है, इसका KUF ज़्यादा होता है. इसमें स्मॉल मॉलिक्यूलर क्लियरेंस ज़्यादा करता है, ये मिडिल मॉलिक्यूलर क्लियरेंस ज़्यादा करता है. यहाँ यूरिया क्लियरेंस ज़्यादा होता है, यहाँ वाटर क्लियरेंस ज़्यादा होता है. इसके लिए ऑटोमेटेड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंट्रोल वाली मशीन लगती है. ये दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारे पास जो डायलाइजर बनता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल को भी निकालेगा और मिडिल मॉलिक्यूल को भी निकालेगा. इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे जो हम करेंटली यूज करते हैं डायलाइजर वो कैसा होना चाहिए. अभी जो हम 80% केस में यूज करते हैं इतने सब टीचिंग और के बाद भी, उसका कारण है कि हम सब चीज को एक ही साइज में फिट करते हैं. मतलब कि हमको ये लगता है कि अगर 34 नंबर साइंस का पैंट जो है वो मोटे आदमी को भी हो जाएगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है. अगर पतले आदमी को पतला पैंट लगेगा तो मोटे आदमी को मोटा पैंट लगेगा, तो उसका जो वेस्ट है, वेस्ट साइज है, अगर 32 पतले आदमी को लग रहा है या 28 पतले आदमी को लग रहा है तो 40 मोटे आदमी को लगे. लेकिन अभी भी हम 40 वाले को भी लो इफिशेंसी लो फ्लक्स F6 मेम्ब्रेन यूज करते हैं. और आज भी जो इंडस्ट्री सोर्स से पता चलता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा डायलाइजर जो है वो F6 बिकता है. F6 HPS भी नहीं, F6, क्योंकि वो सबसे सस्ता मेम्ब्रेन है. और फ्रिजनियर जैसी कंपनी भी इसको प्रमोट करती है. इतना मैंने बात करने के बाद भी उनको लगता है कि चूंकि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम लोग हमेशा अपने को अच्छा बनने का कोशिश करना है, और वो हमेशा दम करते हैं अपने मेम्ब्रेन को. मैं फ्रिजनियस के लिए नहीं बोलूंगा, हर कंपनी के बारे में बोलूंगा, क्योंकि वो डम करना चाहते हैं. और हम लोग को कोशिश ये करनी चाहिए कि डिमांड करनी चाहिए कि हमको ये चाहिए. सो लो इफिशेंसी लो फ्लक्स मेम्ब्रेन जो है अलग अलग कंपनी का मैंने नाम लिखा है. F5 F6 जो है लो इफिशेंसी लो फ्लक्स है. एलिसियो का 1.5 LR या 1.3 LR, LR मतलब लीड रिमूवल लो फ्लक्स. पॉलीफ्लक्स का जो L सीरीज है वो लो फ्लक्स मेम्ब्रेन है. डोरा जो है वो 14 जो लिखा हुआ है वो लो फ्लक्स लो इफिशेंसी मेम्ब्रेन है. सेकेंड आता है लो इफिशेंसी मिडिल फ्लक्स. इलिसियो की जो मेम्ब्रेन 1.3 m और 1.5 m, m मींस मिडिल फ्लक्स, ये जो मेम्ब्रेन है चूंकि सरफेस एरिया लेस देन 1.5 इज लो इफिशेंसी, लेकिन m सीरीज है वो मिडिल फ्लक्स है. इसमें पॉलीफ्लक्स के मेम्ब्रेन नहीं है और फ्रिजीनियस के भी मेम्ब्रेन नहीं है,
क्योंकि इसके बाद वाले में आएंगे वो दोनों. लो इफिशियंसी हाई फ्लक्स. लो इफिशियंसी मीन्स लेस देन 1.5 मीटर स्क्वायर, लेस देन 500 KOA. तो ये जो मेम्ब्रेन है उसमें F50 F60, मतलब हाई फ्लक्स का मेम्ब्रेन और लो इफिशियंसी F60 F50, मतलब सरफेस एरिया लेस देन 1.5 मीटर स्क्वायर. F60 का सरफेस एरिया 1.3 है, F50 का 1.1 है. इलिसियो का 1.3H और 1.5H. H means high flux. Next, high efficiency, low flux. High efficiency, low flux 1.9 LR and 2.1 LR. मतलब 1.7 LR, 1.9 LR, 2.1 LR. More than 1.5 meter square surface area, high efficiency. More than 600 KOA, high efficiency. Next, high efficiency, middle flux. F8 HPS and F10 HPS. अभी आपको जानकारी होनी चाहिए कि F10 मेम्ब्रेन अभी आता है और उसका सरफेस एरिया 2.2 मीटर स्क्वायर है. F6 का सरफेस एरिया 1.3 मीटर स्क्वायर है. F10 का सरफेस एरिया 2.2 मीटर स्क्वायर है. 70% ज्यादा सरफेस एरिया, मतलब चाय छन्नी घर का और मार्केट का अंतर देखो कितना बड़ा साइज हो गया. इलिसियो 1.9 m एंड 2.1 मीटर स्क्वायर. ये सरफेस एरिया के आधार पे हाई इफिशियंसी मिडिल फ्लक्स मेम्ब्रेन है और एक है हाई इफिशियंसी हाई फ्लक्स F80 और F100. ये जो जो मेम्ब्रेन है फ्रिजिनियस के हैं, इलिसियो के 1.9H एंड 2.1H, और मैंने गैमरो को मिस किया यहाँ पे, पॉलीफ्लक्स H सीरीज है और गोडोरा के भी H सीरीज आते हैं. ये अभी आपने 6 कैटेगरी ऑफ मेम्ब्रेन देखे. पहले हम लोग जानते थे लो इफिशियंसी लो फ्लक्स, अभी ये सब को कंबाइन करके मैंने 6 कैटेगरी का मेम्ब्रेन बनाया जो कि मार्केट में अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है, ये सब मैं अपने यहाँ से नहीं ला रहा, ये इंडिया में है और यूज हो रहे हैं. और आपको ये भी बता दूं कि ये जो ग्राफ है धीरे धीरे इसकी तरफ आ रहा है, हाई एफिशिएंसी हाई फ्लक्स पे. बोलेंगे आप डाटा कहाँ है सर, कितना पेशेंट बच गए, ये मेम्ब्रेन यूज करने से खर्चा कितना बढ़ गया है. आजकल खर्चे से ज्यादा क्वालिटी भी देखो, क्योंकि एक डायलिसिस में अगर 1500 रुपया खर्चा करते हो तो अगर डायलाइजर को 10 रीयूज करते हो तो आपको कॉस्ट में अंतर जो है 20 से 25 रुपया पर डायलिसिस आएगा अगर डायलाइजर फ्रॉम लो इफिशियंसी से हाई इफिशियंसी की तरह जाते हैं तो. कोई भी डाटा आने में टाइम लगता है, सीरीज आने में टाइम लगता है, इतना जरूर पता है. आप लोग भी देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन और डायलिसिस की क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट के बाद पिछले 20 साल में डायलिसिस की जो लाइफ है पेशेंट का हमारे कंट्री में, एटलीस्ट हम देखते हैं कि उम्र बढ़ी है. वेस्टर्न डाटा आते हैं उसमें ये बताता है कि अभी भी डाटा वैसा ही है, लेकिन जब जापान या यूरोप से डाटा आता है तो बताता है कि वहाँ अभी भी पेशेंट का सर्वाइवल जो है बढ़ते जा रहा है. नेक्स्ट, अभी हम बायो कंपेटेबिलिटी की बात करते हैं 3-4 स्लाइड में. बायो कंपेटेबिलिटी मतलब बॉडी जो है फॉरेन जो बॉडी है फॉरेन सरफेस है उसको टॉलरेट करे. जो मेम्ब्रेन होता है वो ब्लड से एक्सपोज होता है और कोई भी रिएक्शन नहीं आनी चाहिए ब्लड में, मतलब कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन या बेसोसिल का, मतलब जो सेल्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन के लिए होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होते हैं, वो नहीं होनी चाहिए. मतलब कि मेम्ब्रेन इनर्ट होनी चाहिए. इनर्ट मतलब कि सामने वाला कितना भी तुमको तंग कर रहा है तुम एकदम शांति से निकल जा, ये होनी चाहिए. मतलब इनर्ट, हम मायने ही नहीं रखता है कि सामने वाला चिल्ला रहा है, चुपचाप अनसुना करके निकल गए. तो आइडियल मेम्ब्रेन इनर्ट होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम बायो कंपेटेबिलिटी. और ये बायो कंपेटेबिलिटी डिपेंड करता है मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, उसकी सरफेस केमिस्ट्री क्या है, उसमें पानी के साथ उसका क्या संबंध है, हाइड्रोफोबिक है कि हाइड्रोफिलिक है. फोबिक मीन्स डर, फिलिक मीन्स अट्रैक्शन. सरफेस चार्ज क्या है और प्रोटीन एडजॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है, ये सब के ऊपर बायो कंपेटेबिलिटी डिपेंड करता है. एक बहुत बढ़िया ये है कि अगर बायो इनकम्पेटेबल मेम्ब्रेन है, अंदर वर्ड जो है इनकम्पेटेबल है, मतलब बॉडी अगर रिएक्ट करेगा तो क्या क्या होगा पेशेंट को, इम्यून रिस्पॉन्स आएंगे, एल्बुमिन सिंथेसिस कम होगा, मतलब न्यूट्रिशन सफर करेगा, फीवर आएगा, वीकनेस आएगा, भूख नहीं लगेगा, खून बनने का इंजेक्शन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, पेशेंट का एनीमिया जो खून कम रहेगा, हिपेरिन का डोज बढ़ जाएगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर होगी. सो ये जो रिएक्शन आते हैं डायलाइजर के, उसका एक कारण ये भी है कि बायो इनकम्पेटेबिलिटी है बिकॉज ऑफ द मेम्ब्रेन मटेरियल
because of the reaction to the sterilant ethylene oxide, because of the coating material, वो चेंज होते हैं कभी कभी गामा इरेडिएशन से, या कभी कभी केमिकल रिलीज होते हैं एक्स्ट्रा कार्पोरियल ब्लड सर्किट से, ईटीओ से और बिस्फेनॉल से, ये सब के चलते ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आते हैं। और ये जब रिएक्शन डायलिसिस में आते हैं तो ये सब पैरामीटर आपको नजर में आना चाहिए कि मेम्ब्रेन किस चीज से बना है, उसकी स्टरलाइजेशन कैसे हुई है, उसका कोटिंग मटेरियल कौन सा है, उसमें बिस्फेनॉल है कि नहीं है, ये सब रीजन एक एक करके एक्सक्लूड करेंगे तो हम रिएक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। ये एक बायो कंपेटेबिलिटी की चार्ट है, एरो जो बता रही है कि सबसे ज्यादा बायो कंपेटेबल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सिंथेटिक मेम्ब्रेन होते हैं, और सबसे कम बायो कंपेटेबल मेम्ब्रेन जो या बायो इनकम्पेटेबल बोले वो सेलुलोज होते हैं। इसके लिए आज सब मेम्ब्रेन जो है सिंथेटिक मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ गए, लेकिन जब आप रीयूज करते हैं सेलुलोज को तो उसकी कंपेटेबिलिटी काफी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू सेलुलोज इन प्राइमरी फॉर्म। मतलब नया सेलुलोज मेम्ब्रेन अगर रहेगा तो उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना कि रीयूज का सेलुलोज मेम्ब्रेन है। यही कारण है कि 20 साल पहले काफी रीयूज होते थे और सिंथेटिक मेम्ब्रेन है इसलिए सिंगल यूज के ऊपर हम लोग आगे बढ़ गए। अभी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, डायलाइजर परफॉर्मेंस के हिसाब से भी जैसे कि मैंने बोला हाई इफिशेंसी हाई फ्लक्स मेम्ब्रेन जो होते हैं, हाई परफॉर्मिंग मेम्ब्रेन होते हैं, ये सब अलग अलग वर्ड है जो आप कभी भी मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ोगे तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। KUF, KOA, फ्लक्स, परमिएबिलिटी, इफिशियंसी, परफॉर्मेंस, ये सब डायलिसिस की क्वालिटी के ऊपर आते हैं। प्राइमिंग वॉल्यूम, आप जानते हो कि डायलाइजर के अंदर कितना ब्लड लगता है उसको प्राइम करने में, 60 ml to 120 ml, अलग अलग डायलाइजर जो है अलग अलग मेम्ब्रेन के। स्टरलाइजेशन पर मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो स्टरलाइजेशन होती थी वो इथिलीन ऑक्साइड से होती थी जो कि गैस स्टरलाइज थे, इफेक्टिव है, खर्चा नहीं होता है, सबसे अच्छी बात थी उस समय क्योंकि खर्चा नहीं होता था इसलिए लोग यूज करते थे, रिएक्शन कॉमन था, हेल्थ हजार्ड था क्योंकि ये केमिकल है। धीरे धीरे कंपनी ने चेंज किया, जो कंपनी पहले ईटीओ यूज करती थी अभी वो स्टीम स्टरलाइजेशन पे चली गई, गामा स्टरलाइजेशन पे चली गई, और बहुत रेयर केस में हम तो नहीं देखे हैं कोई मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन बीम स्टरलाइजेशन भी करते हैं, लेकिन अभी जो है स्टीम और गामा स्टरलाइजेशन आपको सबसे कॉमन मिलेगा। लेकिन कुछ मेम्ब्रेन अभी भी मार्केट में है जो इथिलीन ऑक्साइड से होते हैं, जैसा कि डोरा का मेम्ब्रेन है, F6 प्लेन जो है वो, अभी मैं नेक्स्ट जो स्लाइड में आपको बताऊंगा कि जो जो मेम्ब्रेन मार्केट में अवेलेबल है इथिलीन ऑक्साइड वाले कौन कौन है। जैसे फ्रिजीनियस का HPS नहीं लगा हुआ मेम्ब्रेन जो है ETO है, और डोरा का जो मेम्ब्रेन है ETO है, स्टीम जो है FX सीरीज, जो सिंगल यूज डायलाइजर हम लोग जो यूज करते हैं ना, FX8, FX10, FX80, FX60, ये सब मेम्ब्रेन जो है वो नया जो मेम्ब्रेन है उसको स्टीम स्टरलाइजेशन है। HPS जो है वो स्टीम स्टरलाइजेशन है, पॉलीफ्लेक्स सीरीज जो है स्टीम स्टरलाइजेशन, गैमरो का जो मेम्ब्रेन है वो स्टीम स्टरलाइजेशन है, इलिसियो जो निप्रो कंपनी की डायलाइजर हो गामा स्टरलाइजर। हाउसिंग मेम्ब्रेन के बारे में 1 मिनट लूंगा, ये पॉलीकार्बोनेट एंड पॉलीप्रोपिलीन से बना हुआ, और कुछ जो फिल्टर है वो पॉलीस्ट्रीन का बना हुआ है। पॉलीकार्बोनेट के जो फिल्टर होते हैं, जो केज होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होता है बिस्फेनॉल का और DEHP का, विच इज हार्मफुल टू द पेशेंट। सो नए जो जैकेट आ रहे हैं वो पॉलीप्रोपिलीन के बने हैं, वो लेस ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब कि अंदर का फाइबर अगर बहुत क्लियर दिखे तो पॉलीकार्बोनेट है, और थोड़ा क्लियर न दिखे तो पॉलीप्रोपिलीन है। पॉलीप्रोपिलीन जो है उसका स्ट्रेंथ कम होता है क्योंकि उसमें BPA और DEHP नहीं होता है, और ये पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है। ये दोनों में अंतर जो है वो मेजर है, बिस्फेनॉल और DEHP का। अभी ये लास्ट कुछ स्लाइड है कि डायलाइजर जो मेम्ब्रेन होता है उसका यूटिलिटी क्या है, क्या क्या काम करता है पेशेंट के लिए। तो सबसे पहला काम जो हमको चाहिए वो है वाटर और सॉल्यूट्स, ये दोनों को क्लीन करना चाहिए। तो वाटर परमेबिलिटी एंड सॉल्यूट क्लियरेंस के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत है जो कि ये मेम्ब्रेन करता है। दूसरा काम करता है कि मेम्ब्रेन में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत भी इंडोटॉक्सिन
आरओ मेम्ब्रेन से, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से और डाइसेप से निकल के बाहर आया, तो हमारा ये जो साहब है इसको डायलेजर जो है ये इंडोटॉक्सिन को थोड़ा बहुत एडजॉर्ब कर ले, चिपक जाए। और जो एक इम्पॉर्टेंट है, बायो कंपेटेबिलिटी के इनर्ट रहना चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अभी हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग अलग है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए सिंपल मैंने एक निप्रो के सौजन से ये है, इसमें हमको बॉडी वेट और हाइट देखना चाहिए और ये ग्राफ के आधार पे हम सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया का मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं या उसके ऊपर का मेम्ब्रेन यूज करते हैं। सबसे कॉमनली यूज मेम्ब्रेन हम ऐसा बोलते हैं ना कि 50 किलो से अगर कोई कम है तो 1.5 मीटर स्क्वायर के आसपास का मेम्ब्रेन, 1.3 टू 1.5 मीटर स्क्वायर का मेम्ब्रेन यूज करो। 50 के ऊपर है 70 तक 1.7 का मेम्ब्रेन यूज करो और 70 के ऊपर है तो 1.9 और 2.1 का मेम्ब्रेन यूज करो। ये क्राइटेरिया में जाओगे तो हाइट और वेट जानना चाहिए, हाइट और वेट अगर जानते हैं तो दोनों का जो क्रॉस सेक्शन होता है, अगर वेट 80 किलो है और हाइट 180 किलो है तो 1.9 जो है उसका सरफेस एरिया है, उसके ऊपर का मेम्ब्रेन में यूज करेंगे, या तो 1.9 यूज करेंगे या 2.1 यूज करेंगे। सो जैसे इसके केस में हम 1.9, 2.1 या 2.5 का मेम्ब्रेन यूज करेंगे, अगर 80 किलो का आदमी 6 फीट का है तो 1.9 साइज का मेम्ब्रेन यूज करेंगे, क्योंकि यूरिमिक टॉक्सिन जो है जितना बड़ा मेम्ब्रेन रहेगा उतना ज्यादा निकलेगा। तो अब समरी करते हैं, आइडियल डायलाइजर जो होना चाहिए वो ज्यादा माल निकालना चाहिए और ज्यादा अच्छे चीज को नहीं निकालना चाहिए, जैसे कि गंदगी अगर ज्यादा निकलती है तो प्रोटीन नहीं निकलनी चाहिए, ऐसा कोशिश होनी चाहिए आइडियल डायलाइजर की, और हम उस कोशिश के लिए हम आगे काम कर रहे हैं, हम मतलब साइंटिस्ट लोग। तो डायलाइजर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं ना, उसका परफॉर्मेंस और कॉस्ट देखना चाहिए। इंडिया में क्या है, कॉस्ट बहुत मायने रखता है, तो जब कभी भी कॉस्ट आप देखो तो उसको कैलकुलेट करो, अगर हम 10 रीयूज कर रहे हैं तो पर डायलिसिस कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा। अगर पेशेंट को हम 1.3 मीटर स्क्वायर से 1.9 मीटर स्क्वायर में शिफ्ट करेंगे, 50% का इंक्रीमेंट, तो हमारा कॉस्ट कितना बढ़ता, 50% डायलेजर डायलिसिस के कॉस्ट का बढ़ता है क्या? अगर 1500 की डायलिसिस है तो 2300 होता है क्या? नहीं होता है। अगर 1500 से 1600 होता है तो हम पेशेंट को ये ऑप्शन देंगे, और ये हमेशा सोचेंगे कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, मतलब 32 साइज का पैंट जो है 38 साइज के आदमी को नहीं होगा। सो ये चीज पे, और बहुत सारा हमारा लिमिटेशन क्या होता है कि इंस्टीट्यूट है या डायलिसिस फैसिलिटी है, वहाँ पे कंट्रोल मैनेजमेंट का रहता है, तो मैनेजमेंट जो डिसाइड करती है उसके हिसाब से हमको डायलाइजर यूज करना पड़ता है। सो रिकमेंडेशन क्या है, जो हम सोचते हैं ऐसा कि KUF 20 से ऊपर होना चाहिए, मतलब हाई फ्लक्स होना चाहिए, हाई इफिशेंसी 1.7 मीटर स्क्वायर के ऊपर होना चाहिए, KOA 800 के आसपास होना चाहिए, मोर देन 11,000 फिल्टर होना चाहिए जो कि 300 से 400 का ब्लड फ्लो को अलाउ करता हो, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन क्लियरेंस जो है 20 ml पर मिनट से ज्यादा होना चाहिए, ETO नहीं होना चाहिए स्टरलाइजेशन में, या तो स्टीम या गामा स्टरलाइज होना चाहिए। गामा स्टरलाइजेशन से कलर जो होता है ना ट्यूबिंग का, वो चेंज हो जाता है। आप देखोगे अगर आप निप्रो के ट्यूबिंग यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा वो चॉकलेटी कलर का है, तो गामा रेडिएशन से चॉकलेट कलर, थोड़ा कलर जो है चेंज हो जाता है। अगर स्टीम स्टरलाइजेशन है तो वो ट्रांसपेरेंट दिखता है। बायो कंपेटेबल होना चाहिए, ये BPA जो मैंने अभी बोला 20 फेनॉल और DEHP वो फ्री होना चाहिए और एडवर्स रिएक्शन नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।